बात सुने, बताएं मुझे क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुबारक हो, चाचा ने मुझे नौकरी से निकाल दी। इसमें मुबारक देने की कौन सी बात है? आप अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं ना, यही तो आप चाहती थी कि मैं सारी जिंदगी आपकी मरहूने मिन्नत रहूं, अपने पैरों पर न खड़ा हो सकूं, आपके टुकड़ों पर पलूं। तमीज से बात करो। तमीज से बात करने लायक छोड़ा है आपने मुझे? आप ही ने कराया ना? नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। चाचा के चेहरे से साफ जाहिर था कि फैक्ट्री के हालात को कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ मुझे नौकरी से निकालने के लिए ये झूठ बोल रहे थे। पर अम्मी, दो हफ्ते काम करने के बाद ना मुझे इतना अंदाजा तो हो गया है कि जब 24 घंटे मशीनें चलें, लेबर की 3-3 शिफ्टें लगे, तो फैक्ट्री के हालात को कुछ नहीं होता। नजरें नहीं मिला पा रहे थे वो मुझसे, क्योंकि आपने उन्हें मजबूर किया था कि कुछ भी कह के फरीद को नौकरी से निकाल। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, हर जगह आपकी नहीं चलेगी, कभी ना कभी मैं कोई ऐसी नौकरी तलाश करूंगा जहां आपकी नहीं चलेगी। और याद रखिएगा, मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा।